हेलो दोस्तों, आज हम WTO के बॉक्सेस की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, बहुत बार ये प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है बॉक्सेस क्या होते हैं। मेंस में भी इससे जुड़े टर्म्स आ चुके हैं क्योंकि इंडिया को ये बहुत इंपैक्ट करती है, और हमने वैसे अपने पुराने WTO के वीडियोज़ में कवर किया हुआ, लेकिन जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पजेज हम इसको रिविजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले WTO में सब्सिडीज को जनरली बॉक्सेज में क्लासीफाई किया जाता है कि किस तरह की सब्सिडी अलाउड है, कौन सी सब्सिडी देनी चाहिए, कौन सी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो ये ट्रैफिक लाइट्स के कलर पर बेस्ड है। जैसे जो ग्रीन बॉक्स में सब्सिडीज है ये अलाउड है, एम्बर एम्बर वैसे किसको बोलते हैं, ये ऑरेंज को बोलते हैं ना, ऑरेंज कलर को एम्बर भी कहा जाता है, जो जलते अंगारों का कलर होता है ना ऑरेंज, तो एम्बर बोलते हैं उनको। तो ये स्लो डाउन की जैसे होता है ना, आपकी ऑरेंज लाइट होती है जिसको देख के आपको रुक जाना होता है, स्लो डाउन जो आप ये सब्सिडीज कर रहे हैं ये धीरे धीरे इनको कम कर दीजिए, खत्म करना है हमें। एंड रेड तो अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल स्टॉप। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर में थोड़ा सा सामान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एग्रीकल्चर में रेड बॉक्स सब्सिडी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्टिकुलर अग्रीमेंट में कोई रेड बॉक्स सब्सिडी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर एम्बर बॉक्स की बात की जा रही है कि एम्बर बॉक्स है उनको ग्रेजुअली कम करना है ताकि ट्रेड डिस्टॉर्ट ना हो। ऐसा ना हो कि जैसे हम इंडिया में करते हैं MSPs प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसके चलते क्या होता है, वीट एंड राइस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया एंड वीट एंड राइस ने ट्रेड डिस्टॉर्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों की डिमांड नहीं आ रही, लेकिन तब भी इंक्रीजिंगली किसान क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान वीट एंड राइस उगाते हैं, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग हो जाता है। तो इसीलिए और यहाँ पर अब एक और जो आपको टर्म जाननी है वो है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स क्या होती है, ये प्रोडक्शन लिमिटिंग होती है। प्रोडक्शन लिमिटिंग मतलब जैसे सिंपल से एग्जांपल दूं, लेट्स से अगर आपके पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है और मैं बोलूं चाहे 100 हेक्टेयर पे आप चाहे 10 किलो चावल उगाओ या फिर 10,000 किलो चावल उगाओ, ये आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको जो सब्सिडी देनी है, मेरी जो सब्सिडी रहेगी वो तो आपको लेट्स से 10,000 रुपीज़ रहेगी फर्टिलाइज़र के लिए, जो भी है, है ना। तो मैंने आपको जो टोटल सब्सिडी देनी है आपके जो कनक उगाने के लिए, मैं गवर्नमेंट हूँ आपको, तो मैं सिर्फ 10,000 रुपीज़ सब्सिडी दूंगा आपके 100 हेक्टेयर के लिए। अब आपकी मर्जी है आप इस पर, अब जितना जैसे लेट से 10,000 रुपीज़ का जाके मैं कुछ फर्टिलाइज़र खरीद लाया, मैं किसान था, ठीक है, तो मैं जब किसान बनकर जब मैं फर्टिलाइज़र कुछ खरीद लाया, तो अगर मैं उस पर बहुत ज़्यादा उस फर्टिलाइज़र से अगर मैं सामान उगाने की ट्राई करूँगा तो मेरा नुकसान होगा क्योंकि मेरी फसल को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जो भी होगा। तो इसीलिए तो मैं क्या करूँगा, मैं उतना ही फर्टिलाइज़र जितना भी 10,000 में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग उतनी ही सिर्फ मैं फसल उगाना चाहूँगा। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा इसके हिसाब से मैक्सिमम मैं 100 किलो चावल ढंग से उगा सकता हूँ, तो 100 किलो चावल ही मैं उगाऊंगा, मैं प्रोडक्शन लिमिट कर दूंगा। ठीक है, एंड यही गवर्नमेंट्स भी चाहती है कि प्रोडक्शन लिमिटिंग भी होनी चाहिए कि अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है तो भी मार्केट्स क्रैश करती हैं। जब एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगी तो किसी को फायदा नहीं होगा, सभी ने बहुत सारा सामान बना लिया तो किसी को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, तो किसी को कोई उसके सामान की कीमत नहीं मिलेगी। ठीक है, इसीलिए प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज होती हैं। एंड इसके बियॉन्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी कुछ एग्जम्पशंस हैं, तो एग्जम्पशंस को SND बॉक्स कहा जाता है, SND बॉक्स या फिर डेवलपमेंट बॉक्स का नाम भी है इसका। SND का मतलब क्या होता है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ डेवलपिंग नेशंस को स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, तो SND बॉक्स कहते हैं कि आप अपनी कंट्रीज़ को रूरल इलाकों को डेवलप करना है, आपको SND बॉक्स में डाल दिया जा रहा है। तो आपने यहाँ पे ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स, है ना, हमारा ब्लू बॉक्स कहाँ गया, ब्लू बॉक्स एंड SND बॉक्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स याद करनी है, ये प्री में बार बार पूछी जा चुकी है। एम्बर बॉक्स में क्या बोलें कि एम्बर बॉक्स में देखो यहाँ पर टोटल एग्रीगेट मेजर की बात करते हैं कि आप कितना अपने एग्रीकल्चर को टोटल कितना सपोर्ट दे सकते हो, हद से हद आप जैसे, और इसकी लिमिट कहाँ पर डिसाइड होती है, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके बता रहा हूँ। जैसे अभी 1986-87 लेवल पे जो भी आपने, ये जो WTO कैसे डिफाइन करता है, जो भी आपने उस वक्त इसका एवरेज निकालते हैं, 3 साल है वैसे यहाँ पर, 86-87-88, तो 86-87 मान के चलो वैसे आप, 86-87 ये वाले जो साल था इसका आपने एवरेज प्रोडक्शन देखते हो कि आपके देश में कितनी एवरेज प्रोडक्शन हुई है फूड ग्रेन्स की एग्रीकल्चर में, है ना, एग्रीकल्चर की आपकी कितनी प्रोडक्शन रही। ठीक है, तो आपने प्रोडक्शन निकाल दी, ठीक है जी, तो जितनी भी प्रोडक्शन आई थी उसके हिसाब से अगर आप डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, तो सिर्फ आप जितनी आपकी टोटल प्रोडक्शन आई थी, मान लो कि किसी ने 100 करोड़ रुपए का सामान प्रोड्यूस किया था, 100 करोड़ रुपए का, तो 100 करोड़ रुपए का जो सामान प्रोड्यूस किया था तो डेवलप्ड कंट्री वाले सिर्फ 5% ये दे सकते हैं सब्सिडी। ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग, वो कितनी दे सकती हैं, 10% दे सकती हैं, जो भी इनका 1986-87 लेवल का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था। तो इसलिए बोलते हैं टोटल एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट बोलते हैं कि आप सिर्फ टोटल सपोर्ट उतना ही दे सकते हैं जितना आपकी कंट्री के पहले स्टेटस क्या है, डेवलप्ड क्लासीफाई होती है डेवलपिंग। एंड मैं आपको बता दूँ WTO में इज सेल्फ क्लासीफिकेशन, आपको खुद बताना होता है कि आप खुद को डेवलप्ड में चाहते हो रखना है डेवलपिंग में, और कोई आपको बताता नहीं है, इसलिए WTO का ये थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है। तो आपने जैसे
खुद को बता दिया अकॉर्डिंगली, अगर आप डेवलप्ड हो तो 5% सपोर्ट दे सकते हो, डेवलपिंग हो तो 10% सपोर्ट खुद को दे सकते हो एज सब्सिडीज। लेकिन ग्रेजुअली अगर आप लेट से ऊपर दे रहे हो, लेट से अगर आप 15% सपोर्ट दे रहे हो, तो ग्रेजुअली आपको रिड्यूस करना है, लिमिट के नीचे लेके आना है, ठीक है। और इसको AMS कहते हैं, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। और ये प्रोडक्शन डिस्टॉर्टिंग होती है, क्योंकि जिसको जिस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होगा, जैसे हमने बात की अभी यहाँ पे हमारे देश में वीट एंड राइस को, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए दी जाती हैं कई बारी, और इसीलिए एक्सेप्शंस को हटा दें। तो जितनी भी जो प्रोडक्शन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ हैं उनको एम्बर बॉक्स में डाला गया है, एंड इसी जो ब्लू ग्रीन बॉक्स वाले हटा दो तो एक्सेप्शंस हैं वो वाली। और इंडिया में MSP है ना, फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी है, ये सारी की सारी सब्सिडीज़ क्या हैं, ये एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ हैं। और उसके बाद ये प्रोडक्शन क्वांटिटीज़, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा आप लेट से अगर मैंने 10 किलो अनाज प्रोड्यूस किया, 10 किलो पे सरकार को MSP देनी पड़ेगी। अगर मैंने 100 किलो प्रोड्यूस किया, सरकार को 100 किलो पे MSP देनी पड़ेगी। तो ये इसमें ये होता है, जितना जितना ज़्यादा सामान बनाते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी सब्सिडी देश की बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इनको डी मिनिमिस लेवल पर, डी मिनिमिस मतलब इसको मिनिमम लेवल पर रखना है, जो हमने बात करी ये 5% और जो 10%। तो अभी इंडिया का जो पर्टिकुलर केस था, इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया ने जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012-13 में जब लागू किया, तो उसके बाद इंडिया ने वादा किया अपनी 67% आबादी को कि हम आपको फूड ग्रेन्स खिलाएंगे। तो यहाँ पर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सरकार ने वादा किया था 67% लोगों को वो खाना खिलाएंगे, एंड उसके लिए उनको फूड ग्रेन्स बहुत सारे रख रहे थे अपने गोदाउंस में। तो सरकार ने जब कहा था कि इतने लोगों को हमने खाना खाने का वादा कर दिया, तो हमें अनाज भी चाहिए होगा एज अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी कि हम लोगों को खाना खिला पाएं। तो इसीलिए सरकार ने बहुत सारे फूड ग्रेन पे बात आई थी कि अब सरकार जब इतना सारा फूड ग्रेन एक्वायर करेगी तो बहुत सारा MSP पे करना पड़ेगा, बहुत कुछ सरकार को पे करना पड़ेगा, सरकार की सब्सिडी जो है बहुत ज़्यादा, सब्सिडी का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 10% की जो लिमिट थी, जो 10% क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री के तरह क्लासिफाई होता है, तो 10% की लिमिट ब्रीच हो जाएगी जब इंडिया इतना सारा फूड ग्रेन सस्ते दामों पे प्रोक्योर करके बेचेगा और जनता को देगा। तो इसीलिए 10% की जो मार्क ब्रीच हो जाएगा, तो इस कारण इंडिया डी मिनिमिस लेवल को ब्रीच करता हुआ नजर आया, एंड WTO में काफ़ी यहाँ पर कोलाहल मच गया। और उसके बाद फिर हुआ क्या, फिर फाइनली इंडिया अग्रीड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को बोला गया कि अगर आप इतना सारा सामान जो अनाज अगर एक्वायर कर रहे हो, अगर आप इसको वापस मार्केट्स में अगर रिलीज कर दोगे इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो प्राइसेस विल क्रैश। तो इंडिया ने वादा कि हम नहीं करेंगे ऐसा। तो और इंडिया को बोला गया कि आप ग्रेजुअली इसको अपने कम इससे 10% से कम में ले आओ, एंड इंडिया ने फाइनली साइंड अ पीस क्लॉज। तो ये पीस क्लॉज को लेकर भी सवाल आ चुका है कि किससे जुड़ा हुआ है, पीस क्लॉज जुड़ा हुआ WTO से, डी मिनिमिस से। डी मिनिमिस है कि मिनिमम लेवल तक हमने रखनी है अपनी सब्सिडीज जो हमारा डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो 5% है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, 10% है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो उसके बाद ब्लू बॉक्स हमने बात करी, ये इसको एम्बर बॉक्स विद कंडीशंस भी कहा जाता है। और ये इसमें क्या है कि कंडीशंस हैं जो डिस्टॉर्शंस को कम करने की ट्राई करती हैं। और इसीलिए जो ब्लू बॉक्स में क्या है, प्रोडक्शन लिमिटिंग चीज़ें हैं कि प्रोडक्शन को कम करने की ट्राई, कि आप एक सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट दोगे अकॉर्डिंग टू द एरिया लेट से, तो और जब इतना उस पर अगर आप एक्स्ट्रा उगाते रहोगे आपका नुकसान है। तो इसीलिए अभी इंडिया में देखें तो ब्लू बॉक्स नाम की कोई सब्सिडी एग्जिस्ट नहीं करती अभी। और वैसे भी ओवरऑल WTO ने भी इस पर कोई लिमिट नहीं लगाई हुई, तो कितनी आप हद से हद दे सकते हो, 1,000 रुपये, 2,000, 10,000, तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है। चाइना में ऐसे ब्लू बॉक्स सब्सिडीज दी जा रही हैं, शुरू हो गई हैं। और ग्रीन बॉक्स आपको पता है ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होती, ये ऐसी होती है जनरली किसी पर्टिकुलर क्रॉप को या फिर पर्टिकुलर किसी एरिया को ये प्रमोट नहीं करती, जनरली ये किसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। और ऐसी जैसे लेट्स से किसी ने आपने सरकार ने वेयर हाउस बना दिया तो उसमें कोई भी आके अनाज रख सकता है ना, ऐसे ज़रूरी नहीं सिर्फ कि वीट वाला रखेगा, राइस वाला भी रख सकता है। तो इसीलिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जनरली ऐसी होती हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं किसान को। किस तरह का सपोर्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है दोस्तों। और ये डिस्टॉर्शन कॉज नहीं करती, और ये ग्रीन बॉक्स की कंडीशन जो लगी हुई है सरकार जो WTO ने लगाई है, इट हैज़ टू बी गवर्नमेंट फंडेड। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कंज्यूमर से चार्ज नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है कि आपने सब्सिडी देकर कंज्यूमर पे बिल पास कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइस सपोर्ट का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, MSP वगैरह ऐसा कुछ एक्स्ट्रा प्राइस सपोर्ट नहीं दे सकते। और इसीलिए जनरली इस पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह यहीं चलते हैं। और इसलिए ये भी विदाउट लिमिट्स है कि आप चाहो तो जितना मर्जी इनको सब्सिडाइज कर सकते हो। और यहाँ पर पॉलिसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगा हुआ है किस चीज़ को कितना कर सकते हैं। देन ये लास्ट बॉक्स इज डेवलपमेंट बॉक्स, इसको SND बॉक्स भी कहा जाता है, और ये एग्रीकल्चर एग्रीमेंट का ही पार्ट है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। मैंने आपको बताया था SND बॉक्स इज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वाला बॉक्स है जो, और ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज एंड डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए। जैसे क्या क्या, पहला
कि ऐसी चीज़ें जो इनकरेज करें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो उसके। और ये जो भारत जैसे कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है बहुत सारे मनरेगा वगैरह, तो एग्रीकल्चर में अगर वो यूज़ हो जाते हैं तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडी का पार्ट बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज जो कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने में जो काम करें, उसके बाद ऐसी इनपुट सब्सिडीज जो लो इनकम या फिर रिसोर्स पुअर प्रोड्यूसर्स को फायदा देती हों, जहाँ पे जिनके पास कोई रिसोर्स पुअर नहीं है तो उनको S&D में क्लासिफाई किया जाता है। आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझो क्योंकि आपको भी ये प्री में कॉन्सेप्ट चेक करेंगे और इसका हम क्या एनालिसिस क्या नहीं बाद में देखेंगे। एंड इसके बाद ऐसे मेंबर्स को इनकरेज करना जो कि जैसे जैसे जो ताकि वो डिस्करेज हों, ताकि वो क्या हों, इलिसिट जो नारकोटिक क्रॉप्स हैं उनको उनसे वो हटें, डाइवर्सिफाई हो जाएं, वहाँ से हटके किसान कुछ और उगाना शुरू करें। अगर उसके लिए सरकार एक्स्ट्रा कोई सब्सिडी दे रही है तो वो भी अलाउड है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक सा हमारा अटेम्प्ट था आपको बॉक्सेस ऑफ WTO बताना, जिसमें हमने बेसिक से हमने ग्रीन, एम्बर, रेड और हमने एक देखा ब्लू बॉक्स जो कि था प्रोडक्शन लिमिटिंग, बाकी सब में प्रोडक्शन एक्स्ट्रा जितनी होगी उतना मिलेगा। एंड देन देयर वाज सम S&D बॉक्स जो कि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था। एंड हमने एक और इंपॉर्टेंट बात क्या देखी, रेड बॉक्स जो है एग्रीकल्चर में रेड बॉक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, एम्बर बॉक्स को स्लो डाउन करना है। हमने टर्म देखी डी मिनिमिस, हमने टर्म देखी पीस क्लॉज। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, पेपर में आती हैं आपको और आपको आनी चाहिए। दैट इज इट, यही हमारा पर्पस है, यही हम आपको बार बार सिखाने की ट्राई कर रहे हैं, आपको थोड़ा ओरिएंट करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक्स अ लॉट।